हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन में। तो चलिए, आज फिर आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूँ एक नई वीडियो लेके। मैं एम के चौधरी, आप लोग के बीच। आर एस अरवाल में टाइम एंड वर्क चल रहा है, आर एस अरवाल नवीन अंकगणित, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क चल रहा था, हम लोग एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो टाइम एंड वर्क से आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक लेके स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोला है, एक किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। एक किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में 60% भी क्या है, अधिक कार्यकुशल है। ए काम को कितना दिन में कर सकता है, तो 12 दिन में कर रहा है। और इधर बोला है ए जो है बी की तुलना में, ए की तुलना में बी 60%। ए 100 मान लीजिए तो बी को कितना मानेंगे, 160 कर लेंगे, 60% अधिक। इसको छोटा कर लीजिए, 100 काट दिए, छोटा हो गया। 5 × 10 और 8 × 16, ठीक है। तो हम लोग जानते ही हैं ये जो है क्या निकला है, क्षमता। और क्षमता को क्रॉस करेंगे तो समय निकल जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग ये सीख चुके थे। तो बोला है ये जो है 12 दिन में कर रहा है। ये 8 क्षमता है तो ये 12 दिन में कर रहा है। ये कितना है, गुना है, तो 1.5 गुना है। 8 डेढ़ कितना होता है, 12। तो ये 5 है तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, 1.5 गुना कर देंगे। तो 5 डेढ़ 7.5 होता है। तो 7 × 1/2 दिन में ये बी काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी 15 दिन, दोनों मिल के बोल रहा है। दोनों 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो 30 हो जाएगा। 10 दिया 30, 15 दुना 30। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, दोनों मिल के ए प्लस बी। तो इसका क्षमता कितना, टोटल काम कितना है, 30। और दोनों मिल के 2 और 3 कितना हो गया, 5। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 दिन में दोनों मिल के इस काम को कंप्लीट कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोल रहा है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, तथा बी अकेला उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो क्वेश्चन पूछा है ए उसे कितना समय में करेगा। क्या क्वेश्चन पूछा है कि ए कितना समय में करेगा। तो पहले 20 और 15 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे। कितना हो जाएगा एलसीएम, 60 हो जाएगा। 15 × 60 और 20 दिया 60। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए कितना समय में करेगा। तो यहाँ से देखिए, ए प्लस बी का क्षमता कितना है, 4 है, और बी का क्षमता कितना है, 3 है। तो ए प्लस बी में बी को घटा देना है, क्या करना है, ए प्लस बी में बी को घटा देना है। तो ए प्लस बी कितना है, 4, बी कितना है, 3। तो ए बी भी मानिए कट गया तो बचा क्या, ए। तो 4 में 3 चल जाएगा 1, और 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 ही आएगा, यही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तपस मिहिर से 2 गुना कार्य करता है। तपस है, मिहिर है, तपस जो है मिहिर से दो गुना कार्य करता है। तपस का 2 तो मिहिर का 1 हो गया 2 गुना। यदि वे दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य को पूरा करता है। दोनों मिलकर 2 और 1 कितना हो गया, 3। 12 दिन में काम कर रहा है, टोटल काम कितना हो गया, 36 हो गया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तपस उसे अकेला करने में कितना समय लेगा। तो तपस का क्षमता कितना है, 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18।
ये क्लियर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव नंबर क्या बोल रहा है, ये अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, ये अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है। बी उसे, बी अकेला इसे 15 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। आगे बोला है कि बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया, ठीक है। तो पहले ये दोनों का हम लोग काम कर लेंगे, 18 और 15 का एलसीएम लेंगे 90, 18 पंचे 90, 15 छो 90। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, कि बी 10 दिन काम कर रहा है। कौन कर रहा है, बी 10 दिन काम कर रहा है। बी का क्षमता कितना है, 6, तो टोटल कितना हो गया 60। काम कितना था 90, 90 में 60 काम बी कर दे रहा है, बचा कितना 30 काम। अब 30 काम कौन करेगा, और बी कार छोड़ के चला भी जा रहा है, शेष कार्य को कौन करेगा, ए अकेला कितना समय में करेगा। तो ए का क्षमता कितना है, 5, 5 से डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा 6। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को अच्छे से समझते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक भी चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में बोल रहा है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग, 1/2 भाग 5 दिनों में करता है। कितना दिनों में करता है, 5 दिनों में करता है। आगे बोल रहा है, बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में पूरा करता है। आगे और भी बोला है, सी इसी कार्य का 2/8 भाग, 2/8 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में। इस तरह का क्वेश्चन हम एक बताए थे एग्जांपल का, अगर आप वो वीडियो अगर नहीं देखें पार्ट 1, तो आप पार्ट 1 जरूर जाके देखें, फिर पार्ट 2 देखें। तो हम इस तरह का क्वेश्चन में क्या बोलते, पहले ए का पूरा काम निकालिए कि ए जो है पूरा काम करने में कितना समय लेता है। तो ये हम बताए थे कि ऊपर ऊपर कटेगा तो 5 ही हो जाएगा, 5 दुना कितना हो जाएगा 10। ए पूरा काम करने में कितना समय लेता है, 10 दिन समय लेता है। उसी प्रकार इसको यहाँ से काट लीजिए ऊपर ऊपर, 3 3 9, 5 3 15। बी कितना समय लेता है पूरा काम करने में, 15 दिन लेता है। इसको भी यहाँ से काट सकते हैं, 4 हो गया, 8 6 32 हो गया, ठीक है। 8 6 कितना हो गया, 32 हो गया। क्वेश्चन बिल्कुल सॉरी यहाँ मिस हो गया, 2/3 है, तो ये 4 3 कितना हो गया, 12, ठीक है। अब 10, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे, 10, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे, 60 ही होगा। 10 6 60, 15 6 60 और 12 5 60। अब क्वेश्चन बोल रहा है तीनों मिलके इस कार्य को कितने समय में करेगा, तीनों मिलके, तो टोटल काम 60 है, 6 4 10 5 15, 15 6 60, 4 दिन में तीनों मिलके पूरा काम को करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी इस पर 4 दिन कार्य करता है। अब दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम, 24, 8 3 24, 12 2 24। अब बोल रहा है बी इस पर, बी काम कर रहा है कितना दिन किया है, 4 दिन किया है, और बी का क्षमता कितना है, 2, तो टोटल काम कितना कर लिया बी, 8, टोटल काम है 24, 24 में 8 काम कर लिया तो बचा कितना, 16 काम। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब बोल रहा है 8 तो बी कर दिया, अब बचा 16 काम। अब 16 काम कौन करेगा, 16 काम करेगा ए। तो ए का क्षमता यहाँ दिया नहीं है, ए का क्षमता नहीं दिया, तो हम लोग पहले ए का क्षमता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ए का क्षमता, आइए देखते हैं। देखिए ए प्लस बी में बी को माइनस कर देना है, तो ए प्लस बी का क्षमता कितना है, 3, और बी का क्षमता कितना, 2, तो ए का क्षमता नहीं निकल जाएगा, ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, 3 में 2 को घटा लेना है, कितना आ जाएगा, 1, और ए का क्षमता ही क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। और वही 1 को 16 से 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 ही हो जाएगा। तो ए को करने में कितना समय लगेगा, 16 दिन लगेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ क्या बोल रहा है देखते हैं। ये किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करता है। ये किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करता है। यदि ए की कार्य क्षमता यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बी की कार्य क्षमता ए से कितना है? बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। ए अगर 100 है तो बी कितना है? 150। इसको छोटा कर लेंगे, 5 × 10 5 × 15 ठीक है। ये क्षमता है, इसको क्रॉस करेंगे समय निकल जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बोला है कितना समय लेता है? 9 दिन। तो ये कितना गुना है? 9, 3 गुना है। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? 3 गुना कर, 6 दिन में ये पूरा कार्य करेगा भी। उम्मीद करते हैं आप इसे भी समझ गए होंगे अच्छे से। 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, ये तथा भी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ये तथा भी मिलकर ए प्लस बी एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। सॉरी 18 नहीं है, 8 दिन है। ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा? 8 दिन। क्वेश्चन आप लोग के आ रहा होगा डिस्प्ले पे, आप लोग वहां से देख सकते हैं, आराम से नोट कर सकते हैं। सॉरी 9 नंबर में 18 ही है, 10 नंबर में 8 है। ए प्लस ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी तथा सी इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी प्लस ए या ए प्लस सी आप लोग जो भी बोल सकते हैं 36 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे क्वेश्चन बोला है, ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? तो 18, 24 और 36 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 72। 18, 24 दिया 72 और 36 × 72 तीनों मिलके बोला है। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि सम में 2 है, 2 बी है, 2 ए है, 2 सी है, आपको पिछले वीडियो में ये चीज़ बता चुके हैं। चलिए तो क्या 2 कॉमन ले जाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, और ये कितना हो गया? 4 × 7 = 9। 9/2 इसको आगे इधर से करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 9/2 हो जाएगा। अब टोटल काम कितना है? 72/9 और ये 2 ऊपर चल जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 × 8 = 72 8 × 2 = 16 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा, तीनों मिलके करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में समाप्त करता है। ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी प्लस सी इसे 12 दिन में समाप्त करता है, तथा सी प्लस ए इसे 15 दिन में समाप्त करता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है सी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा? तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 12, 8 और 15 का एलसीएम। अगर नहीं आता है तो एलसीएम थोड़ा निकाल लीजिए, 2 से देंगे 4 हो जाएगा, 6, 15 ही रह जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3, 15 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा 5 × 10 10 × 30 30 × 60 60 × 120 हो जाएगा। 15 × 8 = 120 होता है, 12 × 10 = 120 होता है, और 15 × 8 = 120 होता है। ये निकल गया, हमको निकालना है क्या? सी निकालना है। तो यहाँ आप लोग देखें, 2 ए है 2 बी है 2 सी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा कितना? 15, 10, 25 और 8 = 33 33 हो गया, और ये 2 इधर आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 33/2 हो गया। हमको क्या निकालना है? सी निकालना है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों का मान इतना, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो 16.5 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग डिवाइड करें तो भी अच्छा है, डिवाइड नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सी निकालना है तो हम लोग ए प्लस बी में घटा देना है, ए प्लस बी में घटा देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी हम लोग का कितना है?
ये दिया हुआ है 15, और सी का कितना मान दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का कितना है 16.5, तो इसको घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर देंगे ए प्लस बी, ठीक है, ये कट जाएगा, सी का मान निकल जाएगा 16.5 माइनस 15 1.5 आ जाएगा, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, एक पॉइंट हटेगा, एक जीरो पर आएगा, 15 8 यानी कि 80 हो जाएगा, 80 दिन में ये पूरा काम करेगा। चलिए, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे लेके, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।